नगरोटा सूनिया के मन्नत अस्पताल में अब मरीजों को एक ही छत के नीचे बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। मरीजों का उपचार भी आधुनिक मशीनों द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टर मीना और डॉक्टर विशाल कुमार द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल में त्वचा संबंधी मुहासे, दाग धब्बे, चेहरे के गड्ढे भरना, छाइयां, आंखों के नीचे काले घेरे, अनचाहे बालों को लेजर से हटाना, वजन घटाना, बाल झड़ना, गंजापन आदि, इन सभी रोगों का उपचार मन्नत अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल में अन्य सभी रोगों का उपचार भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्ट्रासाउंड एवं डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पौंग झील प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गई है। अब तक झील में 52 प्रजातियों के 50,000 से अधिक प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं। वन्य प्राणी विभाग के DFO कृष्ण कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा पौंग झील के एरिया में 4 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं। एक CCTV कैमरा झील के बीच सेंसर टापू में भी लगाया गया है। अब जो भी आएगा वह पहले एंट्री गेट पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब तक झील में 15,000 से अधिक बार हेडेड गीज नाम के प्रवासी पक्षी सबसे अधिक हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न पेंट्रल, कॉमन कूट, कॉमन पोचार्ट आदि पक्षी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। DFO ने बताया कि दिसंबर माह के अंत तक पक्षियों की संख्या और भी बढ़ जाएगी और यह आंकड़ा 1,00,000 से अधिक हो सकता है। विभाग जनवरी में इन पक्षियों की गणना करेगा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नगरोटा सूर्या से राम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।